लखनऊ से राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनिवास यादव ने बताया कि थाना बख्शी का तालाब के भ्रष्ट थाना अध्यक्ष एवं उनकी टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हजारों की संख्या में यूनियन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को आता देख जिला प्रशासन आनन फानन में यूनियन के केंद्रीय कार्यालय और कार्यकर्ताओं के बीच पहुँचे और पुलिस आयुक्त से फोन के माध्यम से वार्ता कराई, लेकिन बात ना बनती देख मौके पर डीसीपी एसएम कासिम आब्दी तथा एसीपी आशुतोष कुमार को भेजा गया, जिन्होंने यूनियन के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि आप लोग थाने का घेराव ना करें। उन्होंने कहा कि यूनियन के द्वारा सभी 5 सूत्री मांगों को लेकर थाना बख्शी का तालाब के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो भी शिकायतें की गई हैं उसके विषय में उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए 2 दिन के भीतर सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा इसकी निष्पक्ष जांच का मौका प्रशासन ने मांगा, लेकिन यूनियन के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा मना कर दिया गया और कार्यकर्ता थाना घेराव हेतु अड़े रहे। मामले को तूल पकड़ता देख क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला को मौके पर आकर जिम्मेदारी लेनी पड़ी, जिस पर यूनियन के पदाधिकारियों ने 4 दिन की मोहलत दी है, जिस पर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रामनिवास यादव ने बताया कि समस्त पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं की सहमति से थाना घेराव को आगामी 4 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगर प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो पुनः विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार लोधी, राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र रावत, जिला अध्यक्ष लवकुश यादव, जिला उपाध्यक्ष आलोक यादव, ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रजापति, बालक राम शिव कुमार, बीकेटी पार्षद सर्वेश यादव, अध्यक्ष सारण सहकारी समिति गुड़म्बा प्रमोद यादव, ग्राम प्रधान रजोली श्यामू चौरसिया, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद नदीम, बीडीसी पैकरामऊ सुमित्रा सिंह, राकेश शर्मा, राम सहारे पाल, दिलीप कुमार यादव, आशीष विश्वकर्मा तथा समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित थे। जिले की यूनिट हमारी है लोकस यादव जिला से, उनके नेतृत्व में आज कार्यक्रम था और बक्सी कताल थाने थे इंस्पेक्टर खिलाफ और 3 दरोगा और थे उनके खिलाफ था, जिन लोगों के गंभीर आरोप थे। इन लोगों ने जो है जनता से पैसे लेकर किसानों को परेशान करते हुए फुटेज आई थी, इसके आधार पर कार्रवाई की हम लोगों ने मांग की थी। उनको समय दिया था 25 को, फिर हुआ अगर 25 तक कार्रवाई नहीं होगी तो 28 को हम धरना देंगे, लेकिन एसीपी अलीगंज और डीसीपी और सीपी सारे लोगों ने कल रात में बात हुई, सबने 2 दिन का समय लिया कि 2 दिन में हम सारी कार्रवाई करेंगे। जो भी 5-6 विषय दिया था हम लोगों ने, उन्होंने उसको स्वीकार किया है और अपनी गलती स्वीकार किया कि हमारे इंस्पेक्टर गलती है, तो 2 दिन का समय हम लोगों ने दिया है उनको, तो जो भी समस्याएं हमारी है उनको निस्तारण कर रहे हैं। अभी क्या कुछ आगे निकल के आया उन लोगों की कार्रवाई के खिलाफ, मतलब किस तरीके की जांच करी जाएगी पुलिस द्वारा उनके लिए? नहीं, वो डीसीपी को जांच सौंपी गई है, डीसीपी ने 2 दिन का समय लिया है कि 2 दिन में हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। जो आज आपका प्रदर्शन था वो आप करेंगे आगे कि नहीं करेंगे? जब उनको 2 दिन का हमने समय दिया है कार्रवाई का, अगर 2 दिन में कार्रवाई करते हैं तो आगे हमको धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं। क्या कुछ मांगे थी इसको, कहां तक की मांगे, समस्या क्या थी जो